जय गुरुदेव। मैं मनोज कुमार प्रसाद आप सभी को आपके अपने चैनल ताल तरंग मनोज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी आप लोग इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहिएगा। तो आज आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत ही फेमस बॉलीवुड का सॉन्ग है, बहुत ही फेमस है। तो इसमें कहरवा ताल बजा है, बहुत सा इसमें पैटर्न भी है कहरवा ठेका का, एक दो पिकअप भी है, तिहाई भी है। तो आज इस लेसन में हम लोग बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम का ट्यूटोरियल आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो लेसन शुरू करने से पहले जो लोग मेरे साथ पर्सनली ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, बाएं तरफ एक नंबर आ रहा है, देखिए उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास किस तरह से होता है पूरा डिटेल्स आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन में एक छोटा सा पिकअप भी है, ठेका भी है, थोड़ा हम गुनगुना के बताएंगे। ऐसे तो हम गाना नहीं गाते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि थोड़ा गुनगुना के गाना गुनगुना के बताने से आप लोगों को समझने में सुविधा होगा, इसीलिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा गुनगुना के समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कौन सा ठेका कहां बजाया, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है न न न न न न न, ये है पहला पिकअप बजा, क्या बजा, न न न न न न न न न न, पूरा सम से शुरू होगा बीट, पहला बीट से शुरू होगा, क्या है म न न न न न, पहले ही बता चुके हैं कुछ नहीं है, इधर ता 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 चलेगा आठ बार, तीन तीन दो के डिवीजन में चलेगा। तो तीन तीन छह और दो आठ, तीन तीन छह और दो आठ क्यों बोले, क्योंकि तीन मात्रा का पहला वाला ता में कॉ लगेगा ता ता ता, फिर दूसरा डिवीजन का तीन मात्रा है उसमें भी पहला वाला ता में कॉ लगेगा ता ता ता, फिर लास्ट वाला में दो है ता ता तो पहला वाला ता में कॉ लगेगा ता ता, तो तीन ता में बाया का कॉ लगेगा ता 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 ता, इसको एक साथ जोड़ना है ता 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 ता, चाटी साइड में पहला उंगली इंडेक्स फिंगर से आपको बजाना है ता 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 ता, पहला पिकअप यही है ता 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 ता, बस इतना ही है। उसके बाद आ रहा है मेन ठेका, जो ठेका बजा है न न न न न न का बज रहा है, बहुत ही फेमस ठेका है, बहुत सॉन्ग में आप लोग सुने हैं, बहुत भजन में भी सुने हैं। तो ये ठेका एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें छल्ला का छल्ला ठेका भी बोल सकते हैं, छल्ला से बजाने से अच्छा लगता है, ठीक है। विदाउट छल्ला बजा सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर है, जो इसका मैंने ब्यूटी है, जो इसका गुण मैंने अच्छा सुनने में जो लगता है, वो छल्ले के साथ ही लगेगा, छल्ला का ठेका इसको बोलते हैं। तो जिनको छल्ला नहीं बजाना था वो बजा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, लेकिन छल्ला का ठेका हम बताते हैं, फिर हम विदाउट छल्ला भी बताएंगे आप लोगों को। क्या है, धी धा धीता ती धा धीता धी धा धीता ती धा 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 धीता धी धा धीता ती धा धी। इस ठेका में चाटी में चलेगा वन टू वन टू वन टू, बस यही चलेगा, एक लूप है वन टू वन टू, एक बार छल्ला एक बार किनार पहली उंगली से वन टू वन टू वन टू वन टू, इस तरह बजाना है वन टू वन टू वन टू वन टू। अब जिसको छल्ला नहीं बजाना था, मैं छल्ला से अभी तक जो नहीं बजा रहे हैं वो लोग तीन उंगली से बजाएंगे वन टू वन टू वन टू वन टू, बाकी कहानी पूरा दोनों ठेका का सेम है। तो जो लोग छल्ला से बजाते हैं वो लोग बजाएंगे छल्ला वन
जो लोग छल्ला से नहीं बजाते हैं वो लोग बजाएंगे 3-1, बाकी बायां सेम रहेगा। तो चाटी साइड में कैसे बजेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, इससे चलेगा। बायां क्या होगा, धीधा धीता धीधा धीधा धीता धीधा धीधा धीता धीधा धीता, धी छल्ला से शुरू होगा, छल्ला से शुरू होगा, धीधा धीता धीधा धीता। बायां देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बायां, ठीक है। बायां में क्या हो रहा, यहां हम चाटी दिखा रहे हैं आप लोगों को, धी धी, यहां मैं बायां गौर करने वाला बात है, बाउंस करेंगे बायां को, ठीक है। ऐसे तो आप लोग नॉर्मल बजा सकते हैं लेकिन इसको बाउंस करने से और अच्छा लगेगा। धी धा धी धा धी धा धी धी धा धी धा धी धा धी, कैसे बज रहा, धी धी धी, पीछे की तरफ टांग रहा है, धी धा, सभी धा को, सभी बायां को पीछे तक टांगना है, धी धा धी ता धी धा धी ता धी धा धी ता, इसको बाउंस बोलते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको प्रैक्टिस करना है, मैंने आगे ले जाके पीछे टांगना है, ए ए ए आएगा आपका रियाज में, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, धी धा धी ता, ता में कौ लग रहा है, धी धा धी ता धी धा धी ता, तो क्या हो रहा है, धी धा धी ता, धीरे धीरे देखिए एक बार, धी पीछे डाले फिर धा इंडेक्स फिंगर से पीछे, फिर छल्ला के साथ धी, फिर ता, धी धा धी ता धी धा धी ता धी धा धी ता धी धा धी ता, ता में का लग रहा है, ये चार मात्रा हुआ। उसके बाद ती धा, पहला उंगली से आएगा यहां पे, खाली वाला पार्ट है, ती धा धित, ये वजन के साथ बजेगा, ती धा धित ता धी धा धित ता ती धा धित ता धी धा धित ता ती धा धी धा धित ता ती धित ता धी धा धित ता ती धा आप लोग समझ गए होंगे एक पहला लेसन। उसके बाद कैसे क्रॉस टेक आ रहा, मैंने एक वेरिएशन आ रहा और दूसरा टेक आ रहा, इसके बाद जो क्रॉस ठेका आएगा उस ठेका के पहले एक फिलर है, फिलर के रूप में या पिकअप के रूप में मान सकते हैं इसको, लिए तो कहां से लिए, ताकत तीरा की तो तीन मात्रा का एक फिलर है। तो क्या कर रहे हैं, बजाने की जगह कहां है ये समझना है, धी धा धीता ती धा धीता, मेन ठेका चल रहा था तो इसको साथ उसको जोड़ना है, तो कहां जोड़ेंगे, तीन मात्रा का है तो आपको पांच मात्रा बजाना है, तो धी धा धीता बजाएंगे और एक मात्रा गैप देंगे तो पांच मात्रा बन गया, धी धा धीता वन ताकत तीर कीट, धी धा धीता वन ताकत तीर कीट, तो आपका फिलर ऐड हो गया ठेका के अंदर ही, तो ताक तीर कीट सिंपल है, ताक तीर कीट, ये है आपका फिलर, ताक ती
तीरकीटा, उसके पहले ताकत, तो ताकत तीरकीटा। अब इस फिलर को आप ताकत ताता कता भी बजा सकते हैं, ताकत ताता कता, ये भी तीन मात्रा में, लेकिन उस सॉन्ग में बजा है ताकत तीरकीटा। हम ऐसे आप लोगों को बता रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा फिलर आप लोग कर सकते हैं ताकत ताता कता दूसरे किसी सॉन्ग में। तो क्या हो रहा है इसके बाद, जब फिलर बजने के बाद ठेका क्या आ रहा है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, ताकत तीर पीटा बजाने के बाद ठेका क्या आ रहा है, देखिए ताकत तीर पीटा धीधा 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 धीधा। धीरे धीरे देखिए, इसको समझना है, चाटी में ही चलेगा, जो चेंज होगा ना बाया में चेंज होकर क्रॉस ठेका बनेगा। धीधा धीधा दोनों धा, धी को भी टालना है छला के साथ और धा को भी टालना है, धीधा ती धा, इसको घिस्सा लेना है, स्लाइड लेना है, बाया दिखा रहे हैं, धी धा ती दाहिना देख लीजिए पहले, धी धा ती धा ती, देखिए धी धा ती धा ती धा धी धा ती 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 धी धा ती धा ती धा ती धा धी धा ती धा ती धा धी धा ती धा ती धा ती धा धी धा ती धा। बाया देखने से और समझ में आ जाएगा, देखिए कैसे होगा, धीरे धीरे जाएगा, धी धी पीछे टान रहे, फिर उसी तरह धी धा धा भी पीछे टान, मैंने बाउंस बाउंस बोल रहे, धी धा ती धा, ये जो धा है इसको घिस्सा में लिए, कैसे लिए देखिए, धी धा ती धी धा ती धा, पहला चार मात्रा समझिए, धी धा ती धा, जो धा थी धा दोनों को पीछे लिए, फिर ती को छल्ला में लिए, फिर धा को घिस्सा लगाए, स्लाइड जिसको बोलते हैं, धी धा ती धा, उसके बाद खाली वाला पार्ट तित्ता तित्ता, उसके बाद ती, फिर लास्ट वाला धा, पहला उंगली से आएगा धा, इसको देना ही है नहीं तो ठेका भर के नहीं आएगा। तो धी धा धित्ता धी ता, क्या हो रहा है, धी धा ती धा ती ता ती धा धी धा धा ती ता ती धा धी धा ती, क्या हो रहा है, धी धा ती धा ता ती धा धी धा धा ती ता ती धा धी धा ती ता ती धा धी धा ती ता ती धा, इस तरह चलेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, धी धा ती धा, उसके बाद ती ता ती धा धी धा ती धा ती ता ती धा धी धा ती धा धी धा ती धा ती ता ती धा धी धा ता ती धा। ता में एक छोटा सा चुटकी वाला कॉ भी ले सकते हैं, धी धा ती धा ती ता ती ता ती धा धी धा धा धी धा ती धा ती ता ती धा धी। तो क्या हो रहा है देखिए एक बार, न 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 न। ये है क्रॉस ठेका जो भी बजा है, धी धा धी धा धी धा धी धा धी धा धी धा धा धी धा धी धा। इसको आप धीरे धीरे पहले बैठा लीजिएगा जिस तरह हम बताएं, उसके बाद मेट्रोनोम के साथ बजाना है, तब जाके गाने में बजाएगा। इसके बाद आ रहा है गाना को स्थाई को, स्थाई को खत्म कर रहे हैं कैसे, देखिए खत्म किया हुआ है किस तरह उसमें, तिहाई है ए
सेकेंड पिकअप भी बोल सकते हैं इसको स्थाई का। ताता की टत्ता, ता में क, ताता की टत्ता, ताता की टत्ता, ताता की टत्ता, ये है ताता की टत्ता, ताता की टत्ता, ताता की टत्ता। जितना लास्ट में ता आ रहा है सब में क लग रहा है, बाकी किसी ता में नहीं लग रहा है। ताता की टत्ता, लास्ट वाला ता में क लगा, फिर दूसरे वाला भी ताता की टत्ता, उसके बाद तीसरा वाला ताता की टत्ता, तीनों को जोड़ देंगे ताता की टत्ता, 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 इसको तिहाई में लेंगे। उसके बाद म्यूजिक पार्ट आ रहा, म्यूजिक पार्ट पहले कॉन्गो का बजा है, उसके बाद फिर ठेका वही है मेन ठेका म्यूजिक पार्ट में, धिता ती धा धी, उसके बाद अंतरा है, अंतरा में क्या है ना 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 ना, एक पिकअप है ना 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 ना, ताक ताक बस इतना ही है, ताक ताक अंतरा पकड़ने के बड़े ना 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 का पिकअप क्या है तातक तातक, ये है अंतरे का पिकअप तातक तातक। उसके बाद धीना धीना धीता ती धा ती, अब अंतरे का ठेका क्या है ना ना नी ना 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 ना। तो अंत ये जो ठेका भी बजाएं, इस ठेका को हम लोग समझेंगे, इसमें भी चाटी सेम वही चल रहा है, चल्लावन चल्लावन ये चल रहा है, चल्लावन चल्लावन ये चल रहा है, वन टू वन टू वन इसी तरह चल रहा है। और जिसको चाटी नहीं बजाना आता इससे बजाएंगे, तो क्या है धीना धा धीना धा ती ता ती धा धी दीना धाती ता दीना धाती ताती दादी दीना धाती ताती दादी दीना धाती ताती दादी दीना धाती ताती दादी ता। माया देखने से अंतरे का ठेका भी आप लोग समझ जाइएगा। देखिए धी कैसे बज रहा, दीना धा दीना धाती ता दीना धाती ती धा धी ता धी ना धा ती ता ती धा धी ता। धीरे धीरे समझिए, धी ना धा धी छला के साथ बज रहा, नॉर्मल धी जैसे बजेगा धी, फिर ना धा धा स्लाइड में स्लाइड जिसको घिस्सा बोलते हैं, धी ना धा ती धी ना धा ती धी ना धा ती, ना धा के बाद ती आ जाएगा, धी ना धा ती ता ना धा एक मात्रा में है, धी ना धा ती ता, ता में क लग रहा है या चुटकी वाला लगा सकते हैं, धी ना धा ती ता ती धा धी ता धी ना धा ती ता ती धा, फिर वही वाला पहला धा आएगा ती धा धी ता धी ना धा ती ता ती धा धी ता। और एक बार शुरू करके देख लीजिए तो समझने में आसानी होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं थोड़ा बारीकी से समझाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन देखिए ज्यादा छोटा मैंने ज्यादा हड़बड़ी में समझाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। हाँ और एक याद पड़ गया, फिर आते हैं लेसन में। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उससे फिंगरिंग नहीं दिखता है, तो आप लोग बंद कर सकते हैं, यूट्यूब के सेटिंग में जाकर उसको बंद कर सकते हैं, वो एक्चुअली दिया रहता है, देते हैं हम जान के कि जो लोग हिंदी समझने में दिक्कत होता है तो इंग्लिश में वो लिखा हुआ आएगा तो समझ में आ जाएगा कुछ कुछ, लेकिन आप लोग चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इस आप लोगों का अपने मोबाइल में बंद करने का ऑप्शन है, सेटिंग में जाइएगा वीडियो के ऊपर में सेटिंग में, वहां पे दाबिएगा देखिएगा बंद करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेसन क्या था, धी धी ना धा ती ता ती धा धी ता, धीरे से देखिए धी ना धा धी ना धा ती ता
तीधाहिता तीन यहाँ पे जो अंतर का ठेका है भाई, ये जो बजाय वो पहले आपको बता चुके हैं, क्रॉस ठेका जिसको बोल रहे थे, और पिकअप एक मात्रा छोड़ के जो पांच मात्रा के बाद आएगा, बस गाना खत्म है। लास्ट में एक ये बजने के बाद गाना को एंड करते हैं, पूरा टोटल गाना को बहुत जगह सुने हैं। धा धना ना धा धना ना धा धा धना ना धा धना ना धा ना धा धना ना सिंपल तरह से इसको बताए ताकि आप लोग कर लीजिए। इसका बहुत सा वेरिएशन है, आ धा धा धना ना धा धना ना धा धा धना ना धा धना ना धा धा धना ना हक पर करते हैं तुमको सहना। ये एंड है, कैसे हो रहा फिर से एक बार देखिए। न न न न न तो पहला था घिस्सा धा धना ना धा धना ना धा धा पहला घिस्सा धा धना ना धा धना ना धा बाया देख लीजिए एक बार समझ में आ जाएगा। धा धना ना धा फिर धना ना धा धना ना धा धा धना ना धा धना ना धा। तो आशा करते हैं ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही फेमस सॉन्ग है इसलिए मैंने सोचा, आप लोग कमेंट्स भी किए थे बहुत जन, हाँ सबका धीरे धीरे आप एक एक करके पकड़ रहे हैं, सबका ट्यूटोरियल बनेगा जो जो आप लोग कमेंट्स किए हैं, सबका पढ़ते रहते हैं, कुछ कुछ नोट भी करके रखे हैं किस किस का बनेगा, तो सबको सुनते हैं, जो लगता है कि नहीं अभी इसको इसका जरूरी है तो उसी को बनाने का हम कोशिश करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, जो जो लोग आप लोग कमेंट्स किए हैं कि मेरा इस सॉन्ग पे बनाइए उस सॉन्ग पे बनाइए, सबका बनेगा ट्यूटोरियल। अब मान लीजिए थोड़ा समय का भी रहता है, प्रोग्राम में जाते हैं, रिकॉर्डिंग रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है थोड़ा समय, क्लास भी रहता है तो समय का थोड़ा कमी रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो देने के लिए। इस चैनल पे बने रहिएगा, देखिएगा बहुत आने वाले समय में जिसका जो कॉमेंट्स है वो तो बनेगा ही, और कुछ लेसन भी रहेगा जो रियाज का रहेगा, प्लान बन रहा है। और आप लोग कॉमेंट्स किए कि कहरवा का एक अलग से आप प्लेलिस्ट बनाइए, दादरा का बनाइए, शुरुआती से किस तरह से सीखा जाए, तो उसका भी हम एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि शुरू से कारवा किस तरह आने से एक अच्छा रहेगा, दादरा आने से, दीपचंदी आने से, रूपक, सब तरह का वीडियो इस चैनल पे बनेगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि कुछ करें, इसी तरह कमेंट्स कर लीजिए, कर लिया कीजिएगा, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि दूसरे को भी फायदा हो। तो इस वीडियो को आप लोग धीरे धीरे वॉच कीजिएगा, और मेट्रोनोम के साथ पहले तो ठेका बजाइएगा, गाने के साथ मत बजाइएगा, गाने के साथ बजाइएगा, जब ठेका पे आपको पूरा कंट्रोल हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब गाने के साथ कवर बनाने का कोशिश कीजिएगा। जरूर कवर बनाना जरूरी है, नहीं तो टेम्परमेंट, लय, टेम्पो नहीं समझ में आएगा, तो गाने के साथ कवर बनाइएगा। फिर तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुदेव।